अगर आप कभी भी कोई बिजनेस बना रहे हो तो ये चीज ध्यान हमेशा रखना कि बिजनेस बनता है कस्टमर्स से, एंड कस्टमर्स की जेब से पैसा उनको जोर जबरदस्ती करके नहीं बल्कि उनकी खुशी से निकाला जाता है। एंड ऐसा ही एक हाईली कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है डीकैथलॉन, जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट सेल करते हैं। बट हैरानी की बात तो ये है कि इतनी न्यू स्पोर्ट्स कंपनी जो इंडिया में बस 2009 में ही लॉन्च हुई है, उसने 2018 में नाइकी, प्यूमा एंड एडिडास जैसी कंपनीज के रेवेन्यूज को भी क्रॉस कर दिया है एंड आज उनसे भी ज्यादा कमाती है। एंड डीकैथलॉन आज इंडिया में शाओमी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल चेन है। एंड अब अगर आपको भी ये सवाल है कि डीकैथलॉन को तो हमने किसी एड में भी नहीं देखा, तो ये कंपनी आखिर इतना सारा पैसा बना कैसे रही है? तो चलो इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं इस पूरी वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पूरा मिल जाएगा जब आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखोगे। सो डीकैथलॉन के फाउंडर माइकल लेक्लर्क ने 1976 में अपना सबसे पहला स्टोर ओपन किया था फ्रांस में। एंड तब डीकैथलॉन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो खुद ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके उन्हें सेल करते थे। माइकल के माइंड में बहुत चीजें क्लियर थी कि उनको अपने प्रोडक्ट सारे स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए बनाने हैं। एंड अगले एक डिकेड में डीकैथलॉन ने बिजनेस एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था, जहां 1986 में वो जर्मनी में आ गए, फिर स्पेन, इटली, बेल्जियम एंड फाइनली 2009 में डीकैथलॉन का इंडिया में सबसे पहला स्टोर लॉन्च हुआ बैंगलोर में। डीकैथलॉन हमेशा से बहुत बड़े बड़े स्टोर्स ही ओपन करता था विद वेरी बिग स्पेसेस ओनली, क्योंकि उनको लगता था कि इतने बड़े स्टोर में जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो उनको उस प्रोडक्ट को ट्राई करके देखने की फुल स्पेस मिलनी चाहिए, ताकि उनको प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद ये समझ आ जाए कि उनको वो चीज़ खरीदनी है या नहीं। आज डीकैथलॉन के पास खुद के 20 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जो उन्होंने खुद लॉन्च किए हैं, जो 70 से ज्यादा डिफरेंट स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। एंड इसलिए क्योंकि डीकैथलॉन एक बहुत वास्ट ब्रांड है, उन्होंने 2018 में नाइकी और एडिडास जैसी बड़े ग्लोबल ब्रांड से भी ज्यादा पैसा कमाया था इंडिया में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड इवन दो डीकैथलॉन इंडिया में सिर्फ एक डिकेड पुराना है, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने इंडिया के पूरे स्पोर्ट्स मार्केट को कवर कर लिया है। एंड आज वो इंडिया में ग्लोबल रिटेल ब्रांड्स की लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं आफ्टर शाओमी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड। बट स्टिल द क्वेश्चन इज कि डीकैथलॉन इतने अच्छे रेवेन्यूज कैसे कमाता है। बट उनके रेवेन्यूज को समझने के पहले उनकी ये 4 पॉइंट साइकोलॉजी को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, लार्ज स्टोर्स। इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी डीकैथलॉन के एवरेज स्टोर साइज अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट या उससे बड़ी होती है। इमेजिन समथिंग लाइक दिस व्हिच इज एज बिग एज द साइज ऑफ 2 टेनिस कोर्ट्स। बट इन जनरल कोई भी स्पोर्ट शॉप इतने बड़े साइज की होती ही नहीं है। बहुत लोगों ने इनफैक्ट कहा भी कि डीकैथलॉन इतने बड़े बड़े स्टोर्स बना के अपना पैसा वेस्ट ही कर रहा है। बट क्योंकि डीकैथलॉन के टारगेट ऑडियंस बिगनर्स एंड फैमिलीज हैं, उनने सोचा कि स्टोर्स को इतना बड़ा बनाते हैं कि जो लोग भी कुछ परचेज करने आए उनको स्टोर में उस चीज का फ्री ट्रायल भी मिल जाए। एंड आज डीकैथलॉन इकलौती ऐसी स्पोर्ट्स शॉप है जो डी मार्ट, बिग बाजार एंड आइकिया जैसे इतने बड़े बड़े स्टोर्स में कवर होती है। एंड डीकैथलॉन के ये बड़े बड़े स्टोर्स किसी गोडाउन से कम तो है नहीं। इसकी एक और स्ट्रेटेजी ये भी है कि जितनी ज्यादा देर तक वो कस्टमर्स को अपने स्टोर्स के अंदर रुका के रखेंगे, चांसेस उतने ही ज्यादा हैं कि कस्टमर्स को शायद जो चीज ना भी लेनी हो वो उनको देख के पसंद आ जाए, ट्रायल लेके पसंद आ जाए एंड वो एडिशनल परचेजेस भी कर लें, जिससे इवेंचुअली डीकैथलॉन ज्यादा आइटम सेल करेगा। पॉइंट नंबर 2, चीपेस्ट प्रोडक्ट्स। डीकैथलॉन महंगा प्रोडक्ट बेच के एक छोटी ऑडियंस से पैसे कमाने वाला स्टोर नहीं है, बल्कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ता रखते हैं। इवन उनका लोएस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट होता है 99 रुपीज से। एंड वो बिलीव करते हैं कि उनके प्रोडक्ट सबसे सस्ते हों ताकि उसको बहुत सारे लोग खरीदें एंड वो ज्यादा वॉल्यूम में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके ज्यादा पैसा बनाएं। स्टोर्स एंड ब्रांड्स लाइक नाइकी, प्यूमा, एडिडास के सारे ग्लोबल ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को बहुत कॉस्टली रेंजेस में सेल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत छोटी एंड प्रीमियम ऑडियंस ही ये प्रोडक्ट्स को परचेज करती है। महंगे प्रोडक्ट्स बेच के कंपनी पर प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट जरूर कमाती है, बट वो प्रोडक्ट्स को सिर्फ कुछ लोग ही परचेज करते हैं। बट डीकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स को जानबूझ के सस्ता बेचता है, जिससे उनके पास प्रॉफिट मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं बचता, बट वो बहुत बड़ी ऑडियंस को सर्व करते हैं, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा वॉल्यूम में बेच के ज्यादा पैसा कमाते हैं। पॉइंट नंबर 3, टू मच कस्टमर सेंट्रिक। डीकैथलॉन का बड़े बड़े स्टोर्स बनाना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते में बेचना, ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है। डीकैथलॉन सिर्फ एक शॉपिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, बट एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एरिया भी है। वो बहुत सारी अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं स्टोर्स के अंदर ही, ताकि लोग उनके स्टोर्स को ज्यादा से ज्यादा विजिट करें एंड उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके। अभी बीच में डीकैथलॉन ने 365 डेज रिटर्न पॉलिसी भी लॉन्च करी थी कुछ सिलेक्ट स्टोर्स के लिए, जिससे कस्टमर्स की तरफ उनकी डेडिकेशन दिखती है। डीकैथलॉन अपने कस्टमर्स को सिर्फ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सेल नहीं करता, बट ये भी चाहता है कि उनके यहाँ लोग आके मजा करें।
एंड कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके जाए जिनसे उनकी हेल्थ भी बनी रहे। डीकैथलॉन के पास इतने बड़े एरियाज हैं कि वो अपने स्टोर में ही कस्टमर्स को साइकिलिंग, स्केटिंग एंड बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए ऑप्शन देते हैं, वो भी उनके डीकैथलॉन के इक्विपमेंट्स यूज करके, जिससे कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स को प्रैक्टिकली यूज करके टेस्ट भी कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, टारगेट ऑडियंस। अनलाइक अदर स्पोर्ट्स ब्रांड या स्पोर्ट्स की कोई भी एक रिटेल दुकान, डीकैथलॉन की टारगेट ऑडियंस बहुत ही अलग है। डीकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स को इतने सस्ते में इसलिए बेच पाता है क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है। एंड उनकी टारगेट ऑडियंस वो हर एक इंसान है जो इन 70 स्पोर्ट्स में से कोई एक ना एक स्पोर्ट तो खेल ही सकता है, विच स्टेट्स कि वो अपने प्रोडक्ट सिर्फ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए ही नहीं बल्कि बिगिनर्स के लिए भी बनाते हैं। मतलब कि डीकैथलॉन एक स्पोर्ट्स गुड्स प्रोवाइडर कंपनी नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स गुड्स अनेबलर कंपनी है, विच मीन्स कि सब लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स या प्रैक्टिशनर्स नहीं होते हैं। एंड इसलिए जो भी पर्सन बिगिनर लेवल से कोई नई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है, उनको अपने इनिशियल बिगिनर लेवल के हिसाब से सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदना एक बेटर ऑप्शन लगता है। एंड डीकैथलॉन इसी ऑडियंस को सर्व करती है जो कि बिगिनर स्टेज पर है अभी। यहाँ तक कि वो बहुत सारे लोगों को बहुत वेज में एंकरेज भी करते हैं कि वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। टेक फॉर एन एग्जाम्पल स्नो हाइकिंग इक्विपमेंट्स। स्नो स्केटबोर्ड्स नॉर्मली रिटेल यूएस में $99 से स्टार्ट होते हैं, बट वही डीकैथलॉन के स्नो स्केटबोर्ड्स की रेंज $29 से स्टार्ट होती है, $99 पर खत्म। मतलब जहां उनके कंपेटिटर की प्राइस रेंज $99 से स्टार्ट होती है, उनका सबसे हाई क्वालिटी स्केटबोर्ड सिर्फ $99 का ही है। एंड इसलिए डीकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ते में बेचता है क्योंकि वो बिगनर्स को एनकरेज करना चाहते हैं स्पोर्ट्स टेकअप करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम अपना ब्रांड भी बड़ा बनाना चाहते हैं। एंड इस 4-पॉइंट साइकोलॉजी को समझने के बाद कुछ चीजें तो बहुत क्लियर है कि डीकैथलॉन अपने कॉम्पिटिटर से बहुत अलग तरह से काम करता है। एंड क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी वैरायटी है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स की, वो क्वांटिटी में ज्यादा सेल करते हैं जिससे उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है। बट सवाल तो अब भी ये है कि डीकैथलॉन बिना किसी मार्केटिंग के इतना फेमस कैसे है, एंड वो इतने सस्ते कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कैसे कर लेते हैं। सो द आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्योंकि डीकैथलॉन अपने स्पोर्ट्स गुड्स को सबके मुकाबले सबसे सस्ते में सेल करता है, अच्छी क्वालिटी देता है एंड अपने बड़े स्टोर्स के थ्रू कस्टमर्स को बहुत अलग एक्सपीरियंस देता है। सो वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट की टू मार्केटिंग फॉर डीकैथलॉन, जहां कस्टमर्स को सस्ते प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं, खासकर इंडिया जैसे कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में, वहां वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है एंड लोग वो प्रोडक्ट या वो स्टोर अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सब लोगों को रिकमेंड करते हैं। बट यू वुड स्टिल बी थिंकिंग कि डीकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स को इतने सस्ते में आखिर सेल करता कैसे है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सबसे सस्ते में बेचना है तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि उसको खुद ही मैन्युफैक्चर करो एंड उसको खुद ही सेल भी करो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डीकैथलॉन आल्सो डिड। डीकैथलॉन के पास 20+ ब्रांड्स हैं जिनको वो ओन करते हैं, इसलिए उनके पास एक प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो हर साल बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं एंड न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं मार्केट में। डीकैथलॉन हर साल अराउंड 30+ पेटेंट्स रजिस्टर करता है, मतलब कि वो 30+ न्यूली इनोवेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं मार्केट में ट्रायल के लिए। जो भी नए प्रोडक्ट्स वो डिजाइन करते हैं उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी डीकैथलॉन खुद ही करता है। एंड देन डीकैथलॉन आल्सो ओन्स द ट्रांसपोर्टेशन। उनके पास अपने खुद के ओन्ड ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स हैं जिसकी हेल्प से वो अपने सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं अपने ही स्टोर्स पे। एंड फाइनली डीकैथलॉन अपने खुद के ही रिटेल ओन्ड स्टोर्स के थ्रू ही सेल भी करता है, विच मीन्स कि देयर इज नॉट इवन ए सिंगल थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड इन दिस होल प्रोसेस। इन सब से ये इंश्योर होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका पूरा प्राइस कंट्रोल उनके ही पास है एंड वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी और कम कर सकते हैं। एंड डीकैथलॉन CEO रिसेंटली ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि वो जितना अपनी कंपनी को एक्सपैंड करेंगे उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिससे वो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स और बल्क में मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे उनका कॉस्ट पर प्रोडक्ट डिक्रीज होगा एंड वो प्रोडक्ट्स को और सस्ते में बेच के और ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड ऐसे डीकैथलॉन कम मार्जिन पे ऑपरेट करके ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने में बिलीव करता है। एंड इन्हीं सब स्मार्ट स्ट्रेटजीज के थ्रू उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी किया है एंड मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से लोअर कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया है। एज सीन लेटेस्ट, डीकैथलॉन ने 2018 में इंडिया में 1278 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है, जो कि नाइकी एडिडास से भी ज्यादा है एंड रेवेन्यू अमाउंट ग्लोबल ब्रांड्स की लिस्ट में सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में आफ्टर शाओमी इन द रिटेलर सेलर सेगमेंट। एंड इन्हीं सब स्ट्रेटजीज को यूज करके डीकैथलॉन ने अपना ब्रांड को बिल्ड किया है एंड बहुत सारे इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से आज दे आर सो सक्सेसफुल। एंड अगर डीकैथलॉन की ये केस स्टडी आपको पसंद आई तो नीचे कॉमेंट करके अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताना। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई तो लाइक जरूर करके जाना
एंड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, एंड बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा के जाना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हम एक वीक में दो बार रिलीज करते हैं। सो यू एक्चुअली कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी ऑफ दिस वीडियोस। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज कमिंग दिस फ्राइडे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय।